हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स एक्सरसाइज 3.7। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। द ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। कोई भी ट्रैफिक लाइट्स हैं 3 डिफरेंट रोड्स पे और वो कितने कितने टाइम के बाद चेंज हो रही है, चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड के बाद, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। इफ़ दे चेंज सिमल्टेनियसली एट 7 AM, अगर वो दोनों तीनों की तीनों इकट्ठी 7 बजे चेंज हुई हैं, एट वट टाइम विल दे चेंज अगेन, तो अगेन एक साथ किस कितने बजे चेंज होंगी। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 48, 72 एंड 108 का एलसीएम लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि तीनों में कॉमन जो हमारे पास आते हैं कि ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल है कि उस टाइम पे तीनों हमारी बैक करेंगी ही करेंगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 48, 72 एंड 108। 2 से डिवाइड कर देंगे 24, 36, 54, फिर 2 से कर देंगे 18, 27, फिर 2 से किया 6, 9, 27, फिर 2 से किया 3, 9, 27। अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से करेंगे, 3, 1, 3 जा और 3, 9 जा, फिर 3 से 1, 3, 1 जा 3, 3, 3 जा 9, फिर 3 से 1, 1, 1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। इनकी सभी की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या है, 432 सेकेंड। इट मीन्स 432 सेकेंड के बाद वो तीनों की तीनों लाइट्स एक साथ चेंज होंगी। अब इनका हमें क्या बनाना पड़ेगा, मिनट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बताना है कि 7 बजे के बाद वो कितने बजे तीनों एक साथ चेंज होंगी। तो इसके लिए हमने आफ्टर 432 सेकेंड, हमने ये तो बता दिया कि 432 सेकेंड के बाद वो चेंज होंगी, लाइट्स चेंज। अब 432 सेकेंड को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में। मिनट में कैसे करेंगे, 7 × 60 + 12, इसको हम 60 से डिवाइड करके देखेंगे तब भी पता चल जाएगा। तो 7 × 6 = 420 + 12 कितना आ जाएगा, 432। तो इट मीन्स 7 तो हमारे पास बजे हुए, 7 बजे और कितने मिनट के बाद बता दिया कि 7 मिनट 12 सेकंड, तो टाइम कितना होगा, 7 7 12, 7:07 and 12 seconds पे हमारे पास फिर वो से वो चेंज होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल। 3 टैंकर्स हैं जिनके अंदर 403 लीटर, 434 एंड 465 लीटर डीजल हम कंटेन कर सकते हैं, भर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम आपको बताया था कि HCF में आपसे क्या पूछेगा, हाईएस्ट पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा या फिर लॉन्गेस्ट पूछेगा, तो हम क्या निकालते हैं हमेशा HCF, मैक्सिमम कैपेसिटी ए कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, मैक्सिमम के लिए HCF, HCF के लिए हमने क्या निकाला, फैक्टर ऑफ 403 के फैक्टर आ जाएंगे 13 and 31, फैक्टर ऑफ 434 2 × 7 × 31, फैक्टर्स ऑफ 465 3 × 5 × 31। HCF में तीनों में कॉमन देखते हैं तो तीनों में कॉमन क्या है, 31, ये HCF हमारे पास क्या आएगा, 31। सो 31 लीटर ऑफ कंटेनर इज रिक्वायर्ड टू मेजर द क्वांटिटी, हमारे पास मेजर क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 31 लीटर इन कंटेनर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18। लिस्ट मीन्स छोटे से छोटा, जब आपको लोएस्ट पूछ लिया तो क्या निकाल लेंगे, एलसीएम पूछेंगे। विच व्हेन डिवाइडेड, जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 6, 15 एंड 18 से, लीव्स रिमाइंडर, तो हमेशा कितना रिमाइंडर बचता है, 5। पहले हम क्या करेंगे, जो हमें डिजिट्स दिए उनका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम क्या आया, 6, 15 एंड 18 का 2 से डिवाइड कर दिया, 2, 3 जा 15 एज इट इज, 2, 9 जा। अब 3 से करेंगे, 3, 1 जा 3, 5 जा 3, 3 जा, फिर 3 से कर दिया 1, 5 एज इट इज़, 3, 1 जा, फिर 5 से कर दिया तो क्या आ जाएगा, 1, 1, 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास
एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18 क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू कितना आएगा? 90। अब 90 तो हमारे पास वो नंबर है जो 6, 15 एंड 18 तीनों से डिविजिबल है, और इन्होंने क्या बोला हमें? वो नंबर फाइंड करना है कि इन तीनों से डिवाइड करें तो हमेशा कितना बचे? 5 रिमाइंडर। 5 रिमाइंडर बचाने के लिए हम प्लस 5 कर देंगे, 90 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आया आपके पास? 95। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट यहाँ पे लिस्ट दे रखा था, यहाँ स्मॉलेस्ट दे दिया, तो अब भी हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम विच इज़ डिवाइडेड बाई 18, 24 एंड 32। हमें 4 डिजिट नंबर होना चाहिए और तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। पहले हमने क्या किया? 18, 24, 32 तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 9 जाए 18, 2 12 और 2 16, फिर 2 से कर देंगे 9 एज इट इज, 2 6 2 8, फिर 9 एज इट इज़ 2, 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से 9, 3 एज इट इज़ 2, 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 9 एज इट इज़ 3 एज इट इज़ 2, 1 जा 2, फिर 3 से करेंगे 3, 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा सॉरी 1 एज इट इज़, फिर 3 से कर देंगे क्या आएगा? 1 1 1। ठीक है, एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32 तीनों का एलसीएम हमारे पास क्या आया? 2 मल्टीप्लाई सभी डिजिट्स लिखेंगे और सभी की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी? 288। अब हमें क्या बताना है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है? 1000। तो हम क्या करेंगे? 1000 को डिवाइड कर देंगे 288 से, ये 3 पे जाएगा, 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 864। इसमें से हमने माइनस कर दिया, क्या आया? 136। अगर 136 आया तो हम क्या कर देंगे? अगर 1000 में हम 288 प्लस कर दे और जितना रिमाइंडर आया उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डिजिट 1152। हमारे पास ये वो डिजिट है जो 4 डिजिट नंबर है और 18, 24 एंड 32 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड द एलसीएम ऑफ नंबर्स। इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है एंड ऑब्जर्व एक प्रॉपर्टी इन ऑब्टेन एलसीएम से। और ये जितने भी आपको केस दिए हुए हैं चार के चार पार्ट्स में, उनमें हमें एक प्रॉपर्टी देखनी है। इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस? क्या हर एक केस के अंदर जो एलसीएम है वो दोनों नंबर्स का की प्रोडक्ट है, ये देखना हमें। ठीक है, 9 एंड 4, 9 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 9 4 2 से करेंगे 9 एज इट इज़, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 9 एज इट इज़, 2 1 जा 2, फिर 3 से करेंगे 3, 3 जा 9 और 3 ये 1 एज इट इज़ है, फिर 3 से 1 1 एलसीएम निकाल देंगे, क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 9 एंड 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। ठीक है, इसी तरह 12 एंड 5 का, 12 का 2 से करेंगे 6 आ गया, 5 एज इट इज़, फिर 2 से करेंगे 3 आ गया, 5 एज इट इज़, 3 से करेंगे 1 और 5 एज इट इज़, फिर 5 से कर देंगे। एलसीएम ऑफ 12 एंड 5, 12 एंड 5 का एलसीएम हमारे पास ये आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, 6 एंड 5, 6 और 5 के लिए हमने निकाला 2, 3 जा 6, 5 एज इट इज़, फिर 3 1 जा और 5 एज इट इज़, फिर 5 से 1 1, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। एलसीएम ऑफ 15 एंड 4, 15 और 4 का एलसीएम निकाल देंगे, 15 एज इट इज़, 2 2 जा 4, फिर 15 एज इट इज़, 2 1 जा 2, 3 5 जा 15, 1 एज इट इज़, 5 1 जा 5। 15 और 4 का हमारे पास एलसीएम क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16। अब हमारे पास सभी का हमने एलसीएम फाइंड कर लिया, उसके बाद हमें क्या दे रखा था? ईच एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस, क्या हर एक केस के अंदर जो एलसीएम है वो उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट है वो देखना है। अब हमें देखेंगे 9 और 4 का एलसीएम फाइंड किया, 9 4 जा 36, एलसीएम भी कितना है? 36। अब इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी? 12 5 जा 16, ये भी 16, 6 5 जा 30, ये भी 30, 15 4 जा 60, ये भी 60, तो इक्वल है। यस, द एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस, हर एक केस के अंदर जो एलसीएम है वो उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स, एलसीएम ऑफ द नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर। हमें क्या निकालना है? एलसीएम फाइंड करना है इन नंबर्स का,
एंड जिन में से एक जो नंबर है वो दूसरे का फैक्टर है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन, तो इसके अंदर से आप क्या रिजल्ट निकालते हैं हमें ये बताना है लास्ट में, ठीक है. सभी को ऑब्जर्व करके 5 एंड 20 5 और 20 का हमने एलसीएम निकाला. 2 एज इट इज रहेगा 5, 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5 एज इट इज, ये क्या आ जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे 1 1. अब एलसीएम ऑफ 5 एंड 20 क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, आ गया ना हमारे पास 20. इसी तरह से फिर हमारे पास सेकंड क्या है, 6 एंड 18. 6 और 18 के लिए हम क्या करेंगे, 6 2 3 जा 6, 18 के सॉरी 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 1 1, ठीक है. अब 6 और 18 का हमारे पास क्या आया, 2 3 जा 6 6 3 जा 18, आ गया हमारे पास 18. 12 एंड 48 12 एंड 48 का निकालेंगे, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 24, फिर 2 से 3 पे आ जाएगा, 2 से 12, फिर 2 से करेंगे एज इट इज़ ये 6 आ जाएगा, फिर इसको करेंगे 3 एज इट इज़, 2 3 जा, अब 3 से करेंगे क्या आया 1 1, इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 48. 9 एंड 45 9 और 45 का करेंगे, 3 से करेंगे 3, इसको करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 1 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे 1 1. एलसीएम ऑफ 9 एंड 45 इज 9 और 45 का एलसीएम क्या आया 3 3 जा 9 9 5 जा 45. फॉर ऑल केस, हर एक केस के अंदर वी कैन कंक्लूड, हमने कंक्लूजन निकालना है. इफ़ द स्मॉलेस्ट नंबर इज द फैक्टर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, अगर हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो लार्जेस्ट नंबर का फैक्टर है, देन तब द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स, तो उन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है इज इक्वल टू द लार्जर नंबर, तो वो बड़े नंबर के बड़े नंबर के इक्वल होगा. देखो अब ऑब्जर्व किया 6 एंड 18, अब 18 का फैक्टर क्या है 6, क्योंकि 6 3 जा 18 होते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 18. 48 और 12, इन दोनों का हमारे पास 12 है इसका फैक्टर, तो हमारे पास 48 लार्जर नंबर है, ये हमारे पास क्या आ गया इसका एलसीएम. 9 एंड 45 9 5 जा 45, तो 9 का फैक्टर है, 45 हमारे पास क्या आ गया इसका एलसीएम, ठीक है. अब एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई और चैप्टर भी कंप्लीट. ओके, थैंक यू.